सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए बिग अनाउंसमेंट होने जा रहा है। तो बिल्कुल सही, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं देने जा रहा हूँ कि आपके लिए सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आ रही है, क्या क्या चीज़ें आ रही है, क्या कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ डेल्टा अकेडमी एजे एग्जाम्स। तो बने रहिएगा इस वीडियो में टिल द एंड। शॉर्ट सा वीडियो है, कंप्लीट आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा, क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, स्टडी मटेरियल्स में क्या क्या आपको मिलेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, कंटेंट क्या रहेगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए आज का सेशन जो है इसको करते हैं स्टार्ट। आपके लिए जो शुरू होने जा रहा है दैट इज यूनिवर्सिटी की पाठशाला। इस यूनिवर्सिटी की पाठशाला में क्या नया है, क्या क्या कंटेंट है, ये सब कुछ। तो सभी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए ये प्रॉपरली डिजाइंड है, जिसमें कि इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर बोलने का मतलब ये है कि बीटेक फर्स्ट ईयर और साथ में डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये जो कोर्स प्लान है ये वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये किसके लिए एक्टिव रहेगा, कौन कौन से स्टूडेंट्स को ये वीडियोज देखने चाहिए वो मैं एक बार बता दूं जल्दी से। देखिए, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी को आप बिलोंग करते हैं, पूरे इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं जिसमें कि आप टेक्निकल की स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, अगर आप एनी यूनिवर्सिटी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये कोर्स है, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर हैं तो। दूसरा, आप अगर यूनिवर्सिटी पास आउट स्टूडेंट हैं, आपने यूनिवर्सिटी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, आप पास आउट स्टूडेंट हैं तो भी उस कंडीशन में अगर आप टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू करते हैं तो बेसिक फाउंडेशन जो है वो यहां से स्टार्ट होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो पास आउट स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इन वीडियोस को। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और बेसिक फाउंडेशन पे काम करना चाहते हैं, बेसिक फाउंडेशन चाहते हैं कि आपका एकदम स्ट्रांग रहे, जो बेसिक्स के सब्जेक्ट्स हैं आपके एकदम तगड़े हो जाएं, सो दैट कि जो एडवांस लेवल के सब्जेक्ट्स हैं उस पर आप बढ़िया कर सको, तो भी ये वीडियो जो है, ये जो सेशंस आने वाले हैं ये आपके लिए रहने वाले हैं। और इसके अलावा आप 12th स्टैंडर्ड के अगर स्टूडेंट हैं, आप फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स सब्जेक्ट से जुड़े हुए काफी सारे टॉपिक आपको इन वीडियोज में सपोर्टिंग रोल में हेल्पफुल फॉर्म में ये कंटेंट्स मिल जाएंगे। आप अगर डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, आप अगर डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये जो कोर्सेज होंगे, ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट में बताऊंगा वो इफेक्टिव रहेंगे। ठीक है, नॉलेज गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको इसका डिटेल कोर्स प्लान जो है वो मैं यहाँ पर जल्दी से बता दूं। इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, क्या कोर्स रहेगा भाई इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए दिस इज अ क्रैश कोर्स, ये क्रैश कोर्स के फॉर्म में रहेगा क्योंकि अभी ड्यूरेशन कम बचा हुआ है आपके एग्जामिनेशंस में और अभी हम सबका प्राइम गोल जो है वो आपका जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो अभी सबसे प्राइम गोल है और इसको क्रैक करना, इसको अचीव करना, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना भी एक टारगेट है अलॉन्ग विथ नॉलेज गेनिंग। नॉलेज भी गेन होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि देखिए फाउंडेशन दोबारा बनाने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार आपका आपके घर का फर्स्ट फ्लोर जो है या ग्राउंड फ्लोर जो है आपने कंप्लीट कर लिया ना, अब उसके बाद आप दोबारा फाउंडेशन नहीं बना सकते हैं बिना उसको तोड़े, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यही मौका है फाउंडेशन डेवलप करने का। तो इसमें हम जो पढ़ाई करेंगे दैट शुड बी नॉलेज ओरिएंटेड एज वेल एज मार्क्स ओरिएंटेड। नॉलेज ओरिएंटेड होगा तो अपने आप ही मार्क्स ओरिएंटेशन डेवलप हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन मार्क्स गेन करने के लिए क्या क्या एडिशनल स्किल्स आपके पास इसमें होने चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग होगा इंट्रोडक्शन टू द क्रैश कोर्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपके लिए शुरू होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीडब्ल्यू का क्रैश कोर्स। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, मैं आपको अभी सिलेबस दिखाऊंगा, आपके यूनिवर्सिटी से सिलेबस मैच होता हुआ आपको दिख जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज हमको ये समझना है कि जो इश्यूज होते हैं वो क्या क्या चीजें हैं, कि माइंड में जो डिफिकल्टी चल रही है, जो डाउट चल रहा है, अभी हार्डली एक या दो महीने के भीतर आप सभी का एग्जामिनेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक, तो माइंड में क्या क्या चल रहा होगा अभी, कि अभी ये थॉट चल रहा होगा कि भाई टाइम कंस्ट्रेंट है एग्जामिनेशंस को लेकर के, एक पेपर में भी आपको 3 घंटे का समय मिल रहा है, उस 3 घंटे में आपको सारे चैप्टर्स का सोल्यूशन कंप्लीट करना होता है, वो एक दिक्कत। फिर दूसरा चीज की स्टडी नोट्स का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, स्टडी नोट समझ में नहीं आ रहा है, आधे आधे हैं आधे नहीं है, कुछ पीडीएफ अवेलेबल है, कुछ चैप्टर टॉपिक्स के पीडीएफ है ही नहीं आपके पास, तो कैसे मैनेज करें इस चीज को। कहीं कहीं पर स्टडी नोट्स इतना ज्यादा है कि भी वो भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, कि इतना ज्यादा नोट्स हो गया है कि अब समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर से कितना पढ़े और कितना छोड़े।
ये दो डिफिकल्टी जो है इसको आप सिंप्लीफाई होता हुआ देखेंगे इस कोर्स के ड्यूरेशन पर। देन हाउ टू गेन द स्टेप मार्किंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसा सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट, फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट, ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपको स्टेप मार्किंग जो होती है वो अटेन करनी होती है। तो आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, BEE का कोई सर्किट सॉल्विंग कर रहे हैं और आप सीधे आंसर लिख दिए, उस पर फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स आंसर पे डिवाइडेड होगा, और बाकी अगर थेवनिंस लगा रहे हैं तो VTH और RTH पे भी आपको 3-3 नंबर जो है या 2 और 3 नंबर जो है वो डिवाइड होता हुआ दिखेगा। तो ये डिफरेंस जो होता है, ये मार्क्स कैसे गेन करें, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में स्टेप मार्किंग का बड़ा रोल होता है यार। तो आप सिर्फ ये मत समझिए कि आपको सॉल्व करना आ गया, सॉल्व तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन स्टेप मार्किंग किससे मिलेगा वो एक तरीका होता है, ठीक। तो वो तरीका किसमें आपको समझाया जाएगा, इसमें पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा एकदम प्रॉपर डिटेल में, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा एकदम प्रॉपर स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग ही करवाऊंगा। देन करेक्ट अप्रोच टुवर्ड्स द इजी सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को एकदम आसान वे में कैसे सॉल्व करें। अब लास्ट मोमेंट है, अभी तक तो पढ़ चुके जितना पढ़ना है, अब तो पेपर दिलाने का समय आ गया, ठीक है। तो अब इस समय जो पढ़ेंगे वो ऐसे इफेक्टिव कैसे हो कि अपना रिविजन भी हो जाए, नॉलेज भी गेन हो जाए, लेकिन साथ साथ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ईजी वे में कैसे हैंडल करना सीखें, एकदम डिफिकल्ट अप्रोच नहीं, अब ईजी अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। और लास्ट आखिरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बैलेंसिंग द मार्क्स एंड अटेम्प्ट विद टाइम, मार्क्स भी गेन करना है। मान लो यूनिवर्सिटी का 100 नंबर का पेपर है या 80 नंबर का पेपर है, उसमें से आपको मार्क्स भी अटेन करना है, क्योंकि ओवरऑल एग्रीगेट भी आपका एकेडमिक्स भी पूरा इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बीइंग अ प्रोफेशनल डिग्री, आप इस पर जितना स्कोर करते हैं पूरी लाइफ आप जब भी, जब तक आप जॉब में कुछ एक्सपीरियंस नहीं गेन कर लेते हैं तब तक यही आपके लिए बेस की तरह काम करेगा, और हर जगह यही एज अ बेस काम करने वाला है, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने 10th में कितना स्कोर किया, 12th में कितना स्कोर किया, लेकिन हमेशा ये जरूर पूछेंगे कि इंजीनियरिंग में क्या स्कोर था, वोकेशनल ट्रेनिंग कैसा किया, इंटर्नशिप कहाँ से किया, ये सारी चीज़ें पूछेंगे, फाइनल ईयर का मेजर प्रोजेक्ट क्या था, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस बेसिकली आप लोग के लिए होते हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्क्स यहाँ पर गेन करके चलना पड़ेगा, और साथ में जितना टाइम आपके पास है उतने ड्यूरेशन पर आपको अटेम्प्ट भी अपना प्रॉपर प्लान करना है कि कितना मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, जिससे कि अगर 80 में से मेरा 65 का टारगेट है तो वो 65 कैसे अटेन होगा, तो उसके लिए कैसे 70 और 75 कम से कम रेडी करके चलूँ। अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो लास्ट मोमेंट पे नहीं हो सकती, 5 नंबर 10 नंबर छोड़ के चलूँ उसको, लेकिन .75 जो है वो टारगेट अपना फिक्स रहे, तो एटलीस्ट 65-70 तक आप पहुंचोगे। तो ये इस तरीके की प्लानिंग जो है ना, ये हमको करना है डिपेंडिंग अपॉन कि हम कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हैं उस हिसाब से, ठीक। चलिए अब इसके बाद देखिए आपके लिए जो ये क्रैश कोर्स रहेगा इसके क्या कंटेंट्स रहेंगे, ठीक है। ये जो क्रैश कोर्स है इसके क्या कंटेंट है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, कई स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी के मंथ में, जनवरी मिड जनवरी एंड के आसपास भी है, और बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन दिसंबर मिड से शुरू हो जाएगा। तो अब इस पूरे ड्यूरेशन को कैसे मैच करें, देखिए आपके लिए जो कंटेंट है आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये पूरा कंटेंट है, ठीक है। इतने सारे चैप्टर्स में जो है उसमें BEE सब्जेक्ट डिवाइडेड है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड DC सर्किट्स है, इन सब का टाइम टेंटेटिव टाइम ड्यूरेशन भी मैंने लिखा हुआ है, कंप्लीटली 80 आवर्स का कोर्स ड्यूरेशन है, 80 घंटे का कोर्स है, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड DC सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सिंगल फेज AC सर्किट्स, कई यूनिवर्सिटी में कुछ चैप्टर्स हैं और कई यूनिवर्सिटी में इसमें से कुछ चैप्टर्स मिसिंग रहेंगे, ठीक है। कई यूनिवर्सिटीज़ में जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रहता है इस सब्जेक्ट के अंदर, है ना, और कई में जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का पोर्शन नहीं रहता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रहता है, ठीक। तो जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ, AKTU का सिलेबस मैंने देखा, UTU का सिलेबस देखा हुआ है, LPU का सिलेबस देखा मैंने, SPPU का सिलेबस देखा, ऐसे बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज़ का मैंने सिलेबस चेक किया इसके अंदर, और उसके बाद फिर ये डिटेल्ड कोर्स प्लान जो है आपके लिए रेडी हुआ है। अभी इसके अंदर सब टॉपिक्स भी हैं, जब सब्जेक्ट शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि इसके अंदर के डिटेल्ड क्या क्या टॉपिक्स हैं। हम एकदम बढ़िया तरीके से बिगिन करेंगे, एंड सिंस इट इज़ अ क्रैश कोर्स की तरह ही पढ़ेंगे, क्योंकि समय कम है। अभी बहुत ज़्यादा लेंदी डिटेल्ड कोर्स पर आपको नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन प्रॉमिस है कि आने वाले सेमेस्टर्स के लिए डिटेल्ड कोर्स भी इसी यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डेल्टा अकेडमी चैनल पर आपको मिलेगा इस सब्जेक्ट का, एकदम बढ़िया से कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी रहेगा। बट फिलहाल आपके लिए ये क्रैश कोर्स फॉर्मेट में रहेगा। तो क्रैश कोर्स फॉर्मेट में होगा कि आप ज़्यादा चीज़ें जल्दी जल्दी कवर करेंगे कम टाइम के अंदर, ठीक है। और इसके लिए क्या आपको पहले से आना जरूरी है क्या, जीरो नॉलेज भी अगर है आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इस कोर्स को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसी लेवल से पढ़ाना शुरू करूंगा इसके अंदर। क्रैश कोर्स भले रहेगा बट स्पीड हम अपनी प्रॉपर मेंटेन करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, पूरा चीज़ अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी देयर। क्या ये कोर्स
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उन बच्चों को पढ़ना चाहिए जो ऑलरेडी फाउंडेशन रेडी कर चुके हैं, सब चीज़ में रेडी हो चुके हैं, अब अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नहीं पढ़ना चाहिए। ए और जे एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, आपका फाउंडेशन क्लियर है, और उसके बाद अब आप एग्जाम दिलाने के करीब पहुंच गए, आपको ये पढ़ना चाहिए क्या? नहीं, दिस इज फाउंडेशन बैच। और ये फाउंडेशन बैच जो है क्रैश कोर्स के फॉर्म में है इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा, इसमें क्वेश्चन अप्रोच भी जो मैं बताऊंगा, सोल्यूशन का अप्रोच बताऊंगा, स्टेप मार्क्स ओरिएंटेड सोल्यूशन अप्रोच होगा। तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ही डिजाइंड है, प्रॉपरली सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट्स के लिए डिजाइंड है। जो एजेई वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग क्रैश कोर्स शुरू होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसका इन्फॉर्मेशन भी इसी चैनल पर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, फिलहाल ये कंप्लीट आपका कोर्स है, 80 आवर्स का ड्यूरेशन है। आप सोच रहे होंगे सर 80 घंटे, मतलब कि 80 दिन, अगर 1 घंटे का लेक्चर 1 दिन आता है तो ठीक है, इसको जस्ट डिवाइड कर लीजिए बाई 2। अगर दिन का 2 घंटे का लेक्चर आएगा तब बताइए, तब तो 40 डेज में कंप्लीट हो जाएगा ना। और इसका थोड़ा सा और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें कि 2 की जगह 2.5 घंटे का लेक्चर कर दें, तो बताइए अब कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो उतने ही ड्यूरेशन पर आपका ये पूरा का पूरा कोर्स जितना लिखा हुआ है कंप्लीट हो जाएगा। प्रायोरिटी वाइज हम उस ऑर्डर पर चलेंगे जिस पर ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट जो है वो कवर होता रहे। जैसे कि प्रायोरिटी में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डीसी सर्किट्स को पढ़ेंगे पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स जो है इसको पढ़ सकते हैं। इसके तुरंत बाद हम लोग सिंगल फेज एसी सर्किट, 3 फेज एसी सर्किट्स, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, एसी मशीन, इतने सीक्वेंस को हम लोग पहले फॉलो करेंगे। एंड देन ये एडिशनल है जो कई सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं है, तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, सो दैट कि मेजर यूनिवर्सिटीज के जो सिलेबस हैं आपके वो कंप्लीट हो जाए। क्लियर है, ये प्लान समझ गए आप? चलिए अब इसके आगे बात करते हैं कि जो सेशन है इसमें क्या बेनिफिट्स रहेंगे। सेशन कहाँ पे होगा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, सेशन इसी यूट्यूब चैनल पे होगा, कहीं पर कोई भी पेड फॉर्मेट में जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई ऐसा ऐप वैप पर कहीं कुछ नहीं हो रहा है, प्योरली आपको बस यूट्यूब पर आना है। सेशन आपके लिए जो होगा वो क्या क्या बेनिफिट्स कैरी करेगा आप देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग यानी कि कवरिंग ऑल द एसेंशियल टॉपिक्स इन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बैलेंसिंग द डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ द नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज पर किस पॉइंट पे जाके रुकना है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? किसी चीज पर किस पॉइंट पे जाके रुकना है, कितने डेप्थ तक पढ़ना है, आपको पीएचडी नहीं करना है लेकिन आपको नॉलेज गेन करना है, बिकॉज फाउंडेशन भी डेवलप कर रहे हैं आप अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में, एट द सेम टाइम मार्क्स भी गेन करना है। तो वो जो डेप्थ कितना जाना है और ब्रेड कितना होना चाहिए नॉलेज का, वो दोनों के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे मैच करके ही आपके लिए कोर्स प्लान हुआ है। स्टडी मटेरियल का क्या होगा, कंसिस्टेंट लर्निंग के साथ साथ आपको डेली नोट्स मिलेंगे, यहाँ बोर्ड पर जो भी कुछ लिखूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डली हुई है, आप कनेक्ट हो जाइए, वहीं पर डाउट डिस्कशन भी होगा और वहीं पर आपको डेली का इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं भेजता रहता हूँ और आगे भी भेजता रहूंगा। पीडीएफ्स ऑफ द क्लास कंटेंट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो बहुत एक की पॉइंट होता है, बहुत की रोल प्ले करता है, और खास तौर पे ऐसे सब्जेक्ट जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसमें तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए रेगुलर प्रोवाइड होते रहेंगे, सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज भी और टॉपिक वाइज भी, दोनों फॉर्म में। और इसी के साथ एक बढ़िया सी चीज और मैं बता दूं कि आज का जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसको टिल द एंड देखिएगा, टिल द एंड, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बढ़िया सी चीज बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद टाइमली कंप्लीशन रहेगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर समय पे कोर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ तो मतलब क्या है ऐसे कोर्स का। तो आपके एग्जामिनेशन का जो समय है उस पर कंप्लीट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, हालांकि कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही है, तो इस दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो ऑब्वियसली नहीं कंप्लीट हो सकता है, लेकिन जितना भी हो सकेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें मैं आपको करवाऊंगा। और कंप्लीट टाइम फ्रेम जो मैंने रखा हुआ है वो जनवरी मिड तक का रखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज का जनवरी मिड, जनवरी एंड तक में पेपर है, तो जनवरी मिड तक का मैंने फाइनल टारगेट लेकर के रखा हुआ है। बिफोर दैट हम इसको बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे और इस बार सारी की सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। आप अदर प्लेटफॉर्म पर भी अगर देख रहे होंगे मेरे वीडियोज या मेरे लेक्चर से पढ़ रहे होंगे और वहां पर कोई चीज कंप्लीट नहीं हुई है तो आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि अब यहां पर अब सारी चीजें कंप्लीट होंगी, ये परमानेंट डेस्टिनेशन है और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस डेस्टिनेशन पे हमेशा आपको फुल एंड फाइनल मिलेगा। चलिए तो अब बात करते हैं टाइमली कंप्लीशन की, अलाइंड विद द यूनिवर्सिटी एग्जाम शेड्यूल्स ये है, एंड एंश्योरिंग द स्टूडेंट्स आर वेल प्रिपेयर्ड विद इन द अवेलेबल टाइम फ्रेम, इसी की मैं बात कर रहा था। क्विक रिविजन सेशन आपके लिए रहेगा, तो जो बच्चे जिनका एग्जामिनेशन अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में ही है वो बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर हमारे लिए क्या प्लान है, ठीक है? ये तो चलो ठीक है, आप डिटेल कोर्स आप बता दिए,
व्हाट अबाउट अस, हमारे लिए आप क्या करवाएंगे? हमारा तो पहले ही हफ्ते में एग्जाम है, तब तक तो कोर्स पूरा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सिंपल सी थिंग है, आपके लिए मैं क्विक रिवीजन सेशन ला रहा हूं, क्विक रिवीजन सेशन, ठीक है? तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा। आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली समय कम बचा है आपके पास। तो ये एफर्ट जो है, ये थोड़ा सा एफर्ट का पार्ट आपका बढ़ जाएगा। क्विक रिवीजन सेशंस होंगे, आपने पहले भी देखा होगा कि मैंने पहले भी क्विक रिवीजन सेशन कराया, जिसमें एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया, एकदम जीरो टू हीरो वाला फॉर्म, ठीक है? ऐसे ही आपका चैप्टर रिवीजन भी होगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी क्विक रिवीजन फॉर्मेट में। एक एक दिन, दो दो दिन या तीन तीन दिन के मैराथन सेशंस होंगे, ठीक है? तो मैराथन सेशन हो सकता है, दिन के 3 घंटे का मैराथन चल रहा है। लाइव क्लास अभी दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। अभी फिलहाल जैसे आप ये इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, ऐसे ही कुछ दिन और, यानी कि टिल द एंड ऑफ नवंबर, जो कि अभी आ ही गया है, ये वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐसे आते रहेंगे आपके लिए। जैसे ही दिसंबर शुरू होगा, लाइव क्लास शुरू हो जाएगी आपके लिए। और जब लाइव क्लास शुरू होगी, तो एकदम इमर्सिव फॉर्म में हम पढ़ाई करेंगे, एकदम इमर्सिव फॉर्म में डूब करके एकदम पढ़ाई करेंगे उसमें, ठीक है? तो ये जो क्विक रिवीजन सेशन होगा, इसके लिए बस आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम की लिमिटेशन नहीं होगी। हो सकता है मैं आपको बोलूँ 2 घंटे की क्लास होगी और वो क्लास 3 आवर्स में कंप्लीट हो रही है, ठीक? बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे उस पूरे 3 घंटे कंसिस्टेंटली, और आपको बेनिफिट मिलेगा उससे। समय कम है आपके पास और ड्यूरेशन कम है आपके एग्जामिनेशन का, तो इसीलिए ऐसा क्विक सेशन भी आपके लिए मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखा है। तो जिन बच्चों का एग्जामिनेशन दिसंबर फर्स्ट वीक है या 10 तारीख 15 दिसंबर के अंदर है, उन सभी बच्चों के लिए भी क्विक रिवीजन है, जिसमें वो सारे चैप्टर्स जो मैंने आपको दिखाया वो कवर करेंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर करेंगे, PYQs लगाएंगे उसके, लेकिन बनाएंगे जरूर, छोड़ के कुछ भी नहीं जाएंगे। और पैरेलली आप सभी का डिटेल सेशन तो चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। चलिए ठीक है, तो क्विक रिवीजन सेशन एंड डेली नोट्स एंड PDFs आपको ग्रुप पर मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बहुत जरूरी है, आपको डेली का नोट्स, रोज का PDF वहीं पर मिलेगा, प्रैक्टिस PDF भी वहां पर मिल जाएगा आपको। देन नेक्स्ट, इसके बाद कोर्स फीचर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है देखिए। चलिए कोर्स की टाइमिंग मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इवनिंग 6 PM डेली क्लास की टाइमिंग आपकी रहेगी, इवनिंग 6 PM। अभी इनिशियली जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इनिशियली तो रिकॉर्डेड सेशन आएगा, देन उसके बाद लाइव सेशन शुरू हो जाएगा आपका एटलीस्ट 3rd of December से, 3rd December या 5th December, 3rd December या फ्रॉम 5th of December, 5 दिसंबर से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी होपफुली, ठीक है? तो ये फीचर जैसे ही एक्टिवेट होता है इस चैनल पर, मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा लाइव क्लासेस, और तुरंत के तुरंत हम लोग फिर उसके बाद लाइव पर जुड़ जाएंगे। लेकिन तब तक भी पढ़ाई रोकनी नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर देखना है। अब ये मत बोलिएगा कि सर रिकॉर्डेड फॉर्म में हमको बोर लगता है करके, और अगर लगता भी है ना तो भी अभी के लिए देख लीजिए। अभी एग्जाम से और मार्क्स से बढ़ के अभी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए आप दिन भर रील्स देखते हैं, थोड़ा सा बोर हो लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए यार। एक बार ये मार्क्स अटेंड कर लेंगे ना, उस डिग्री पर लिखा हुआ रहेगा जब सर्टिफिकेट में उतना मार्क्स, तो पूरी लाइफ टाइम के लिए ना आपको वो हैप्पी बना करके रखेगा। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, अभी एकदम टेंशन नहीं लेना है इन सब चीज़ों का, अभी पढ़ना है, अभी सिर्फ उसी पर फोकस करना है, ठीक है? तो कोर्स कंप्लीशन ऑन टाइम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, एंड डाउट डिस्कशन ऑन टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप पर आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं। अभी भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपने डाउट्स भेजते हैं, एक दूसरे के साथ भी डिस्कस करते हैं, और जहां पर रुक जाते हैं वहां पर मैं डिस्कस करता हूँ फिर, ठीक है? तो ये पॉइंट रहेगा, आप आगे भी टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट हो जाइए, मस्त तरीके से डाउट डिस्कशन करेंगे, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे हम लोग इसके अंदर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये था इसका कंप्लीट कोर्स डिटेल। डेली क्लासेस रहेंगी, तो अभी कोशिश करिएगा आप रोज के रोज कंटेंट जो है डेली उसी दिन देख लें, उसी समय देख लें तो और अच्छा है। लाइव क्लासेस होंगी तो आप लाइव ही अटेंड करें, तो सबसे बेस्ट थिंग ये रहेगा, ठीक? आज का जैसे कंटेंट आपने पढ़ा, उसको टेलीग्राम ग्रुप पर आपने क्वेश्चन जो मैंने दिया वो बना करके आप शेयर कर दीजिए, तो एकदम बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। तो टाइम फ्रेम मैं आपसे और लाइव सेशंस में डिस्कस भी करूंगा। कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, आपके पास आपके माइंड में कोई भी क्वेरी चल रही है, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता दीजिए कि सर ये क्वेरी है, ये बताइए ये चीज़ कैसे करेंगे हम लोग करके, ठीक है? ये सारी चीज़ें, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेडली इस चैनल पर वीडियो आते रहेंगे। तो अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या आपके फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में है या किसी भी सेमेस्टर पर है, तो आप उनसे भी ये चैनल का लिंक जो है वो शेयर कर दीजिएगा, ये वीडियो आप उनसे शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर कनेक्टेड रहिएगा, मज़ा आने वाला है। अभी तो ये पहला स्टार्टिंग है, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर है, और इस समय हम लोग अभी नवंबर के महीने में शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सेमेस्टर्स की प्लानिंग और बिगिनिंग से मैंने कर रखा है पहले ही, तो एकदम शुरुआत से आपको डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मिलेगा। तो क्रैश कोर्स से भी ज़्यादा इमर्सिव कंटेंट आपके लिए और आने वाला है इसी चैनल पर। इसके साथ ही एक लास्ट थिंग, जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस वीडियो के एंड पर
जो मैंने बताने को बोला हुआ था वो वाली बात बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा एक लिंक। वो लिंक जो है वो आपको एक पीडीएफ पर लेके जाएगा। ये पीडीएफ जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जितने बच्चे बीडब्ल्यू की क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करिएगा, ड्राइव से डाउनलोड हो जाएगी आपके पास बीडब्ल्यू की पीडीएफ फॉर प्रैक्टिस, जिसका कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको वादा किया था। ठीक है, तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जहां पर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं वो क्वेश्चन मेरे साथ शेयर करिए, उसको सीधे वीडियोस के अंदर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके देखते जाएंगे। उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस है जो आप भेजते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, वो भी यहाँ पर डिस्कस होगा। और जो अभी के रिसेंट पैटर्न के हिसाब से यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस सभी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, इस सेशंस पर, इन सभी सेशंस पर। ठीक, अब दूसरा चीज जो आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर अभी ये तो बात हो गई बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर कि डाउट हो सकता है, जिस पर कि आपको चाहिए कि आपकी क्लासेस हो, है ना, सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस हो, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं कि आप और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की प्लानिंग चाहते हैं। लेकिन वो सभी सब्जेक्ट्स तब स्टार्ट होंगे जब इस ऑन गोइंग सेशंस पर आपका रिस्पॉन्स जबरदस्त आएगा। आप जितना बेहतर रिस्पॉन्स करते जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू फैकल्टीज के साथ मैं लेकर के आऊंगा इसी चैनल पर। तो इसलिए मैंने बोला ना कि बहुत कुछ डिटेल प्लानिंग आप लोगों के लिए हो रखी है, बस डिपेंड करता है कि आप कितने एक्साइटेड हैं उस प्लानिंग के लिए, और अपनी एक्साइटमेंट जो है वो आप कितना शो करते हैं इस चैनल पर। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड अप करता हूँ। अगला वीडियो कब आएगा ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि अगला वीडियो जो होगा वो सीधे कोर्स से जुड़ा हुआ वीडियो होगा। 27 नवंबर, जो कि मेरे ख्याल से मंडे है, यानी कल 6 PM। अब 27 नवंबर से आपका कोर्स जो है वो शुरू हो जाएगा यूनिवर्सिटी की पाठशाला का। ठीक है, तो आपका यूनिवर्सिटी की पाठशाला सेगमेंट के अंदर इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और इस प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने अपडेट्स मैं बताऊंगा वो सारे के सारे अपडेट्स पूरे के पूरे इसी प्लेलिस्ट के अंदर दिखते जाएंगे। तो सारी चीजें एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको मिलेंगी, एकदम सीक्वेंस में मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ और कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर मिलेगा, लाइंड अप मिलेगा, सीक्वेंस में मिलेगा। तो ये वीडियो अब मैं यहीं पर एंड अप करता हूँ। आई होप आप इसको और भी लोगों के साथ शेयर करेंगे, और भी अपने सभी दोस्त, जूनियर्स, या जो भी एक फ्रेंड्स होंगे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं टेक्निकल्स की, आप उनके साथ भी इसको जरूर से शेयर करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में ऑन 27th ऑफ नवंबर इवनिंग 6 PM। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद।